ये है कर्नाटका और तेलंगाना का बॉर्डर, जिन्हें घनघोर अंधेरा है, कुछ दिखाने लायक है नहीं। तो यहीं पे मैं रुका, मैं सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रात भर कहीं ब्रेक भी नहीं लिया। गुड मॉर्निंग बेबी, जाग गया बेबी। बट जितना मुझे ध्यान है डैम वहाँ से नहीं दिखता, नदी शायद आएगी कहीं ना कहीं बीच में, बन रही है उसका भी शोर है। यहाँ बहुत सारे विंड मिल्स है बट ये तो एकदम पास है हमारे। बेबी कैसा लग रहा है? टेस्ट भी बड़ा सही है, तुम्हारा कैसा है? मेरा तो मीठा है, बहुत मीठा है एकदम। और कितना बड़ा है साइज में ना, उधर मिलता नहीं है इतना तेलंगाना में, छोटे छोटे। गाड़ी में हम थक गए, पैर सीधा करने बाहर आए हैं और बड़ी मस्त हवा चल रही है, बहुत अमेजिंग। आ हा हा हा, घर ले गए हो, पता लगे हमें वापस भेज दें आगे से। बट लकीली अब जस्ट एक छोटा सा गांव भी नहीं, कस्बा आया जिसमें चार घर थे, तो एक दो गाड़ी का टेस्ट अच्छा है ना। मेरे फिश थाली में भी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने खाया रोटी के साथ, होपफुली अच्छी होगी। और हम कैमरा लाना भूल गए तो अब हम इसी से काम चला रहे हैं। ये हमारी पूरी फैमिली है, काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे हम बीच पे आए हुए सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बंद हो गया था जब तक हम आए, तो हम जा नहीं पाए, पर ये काफी सही था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम काफ़ी टाइम बाद एक लंबी ट्रिप पे निकलने वाले हैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम गोवा के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि है भी थोड़ा लंबा, थोड़ा 13-14 आज लग सकता है। सो कल दिन तक होपफुली हम गोवा में होंगे और फिर कुछ दिन हम गोवा में बिताएंगे। बेबी इज़ ऑल एक्साइटेड टू मीट हिज नानू। बेबी इज़ एक्साइटेड? यस। तो होपफुली ट्रिप अच्छा रहेगा। अभी रूट तो हम हुमनाबाद जाएंगे पहले, फिर हुमनाबाद से हम बेलगाम साइड जाएंगे कर्नाटका क्रॉस करते हुए, और फिर हम फाइनली कल सुबह गोवा पहुंचेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू अस, हर हर महादेव। जय श्री शंभु। ये बेबी का मैप है और ये हमारा मैप है जो बेबी ने बनाया है। ये बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया, यहाँ बोर्ड्स लगे। ये है कर्नाटका और तेलंगाना का बॉर्डर। आज का इस ट्रिप का ये पहला बॉर्डर है, इसके बाद एक और आएगा, कर्नाटका गोवा आएगा कल सुबह। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, घनघोर अंधेरा है, कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हमने। ये सामने बोर्ड आ गया है, वेलकम टू कर्नाटका। ये रोड आगे सोलापुर बॉम्बे की साइड जाती है, बट हम तो बॉम्बे साइड नहीं जाएंगे। आई डोंट नो, लाइट की वजह से दिखाया नहीं आपको बोर्ड, बट ये वेलकम टू कर्नाटका का बोर्ड था। हम तो 40 किलोमीटर और आगे जाएंगे, फिर हम लेफ्ट मार लेंगे गोवा साइड के लिए। सो चलते हैं आगे। अभी हमें चलते हुए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2:30 का टाइम हो गया है, और अब हमारा मैप बोल रहा है कि हमें रोड चेंज करना है। अभी तक हम NH-65 से आ रहे थे, जो हैदराबाद से बॉम्बे और पुणे की साइड जाता है। अब हम ये रोड चेंज करेंगे, यहाँ से ये जो सर्विस रोड का बोर्ड है, यहाँ से हमें लेफ्ट होने को बोल रहा है मैप। ये हम हुमनाबाद के पास हैं, एग्जैक्ट जगह का तो हाँ, ये अब हम काला बुरागी रोड लेंगे, मतलब काला बुरागी की साइड जाएंगे, और फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाके गोवा का रास्ता अलग हो जाएगा। अभी भी घनघोर अंधेरा है, थोड़ी देर में कुछ लाइट आती है, अच्छे शॉट्स होते हैं, मतलब सीनरी होती है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी तो हम NH-65 छोड़ के काला बुरागी रोड पे जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब पूरी रात गाड़ी चला के हम कहीं कर्नाटका में आ गए हैं। हम एक्चुअली आधा रास्ता आ गए, और रात को जब हम 12 बजे चले थे तो 660 किलोमीटर्स था हमारा डिस्टेंस, अभी 330 के आसपास रह गया है, और सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 7 बजने में। तो पूरी रात गाड़ी चलाई, 1 घंटा सोया था बीच में रोक के, अदरवाइज़ पूरी रात चलाई। थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ बिकॉज थोड़ा नाइट ड्राइविंग आजकल मैं कम करता हूँ, पहले ज़्यादा करता था तो इतना पता नहीं लगता था, आजकल कम करता हूँ थोड़ा पता लगता है, और थका भी हुआ था मैं। बट मैं 1 घंटा बीच में सो गया था एक बार, और फिर 2 बार 15-15 मिनट सोया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तो मैं रास्ते में सो गया था। अभी हम कर्नाटका में, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, पीछे खेत हैं, ये मिलेट के खेत हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं या नहीं, बट ये सारे मिलेट्स मिलेट के खेत हैं,
कौन सा मिलेट है ये तो मुझे नहीं पता, बाजरा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और उधर विंडमिल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी विंडमिल्स हैं। आई डोंट नो आपको कैमरा दिखा पाएगा या नहीं, बट उधर विंडमिल्स हैं बहुत सारी। और इस साइड भी विंडमिल्स हैं, इस साइड भी, सामने भी, वो वहाँ पे विंडमिल्स हैं पूरी। तो काफ़ी सही लोकेशन है, यहीं पे मैं रुका। मैं सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रात भर कहीं ब्रेक भी नहीं लिया, चाय भी पीनी है। चाय अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो आप देख सकते हो बिल्कुल सुनसान है। मतलब ये रास्ता बस एक आध ट्रक व्रक चल रहा है, ज़्यादा कोई चाय वाला भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली है। अच्छा लग रहा है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है इधर, और माँ बेटे तो मस्त सो रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये भी सो रही है और बेटा भी सो रहा है, वो तो मस्त सो रहे हैं। मैं भी अब ढूंढता हूँ, कोई चाय वाला ढूंढता हूँ और फिर हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे क्या है। और मैंने आपको रूट का नहीं बताया ना, मैं सोच रहा था रूट बताऊंगा। तो जो रूट हमने लिया, हम हैदराबाद से निकले तो पहले संगारेड्डी रोड पे गए हम, जो पुणे रोड है, पुणे या बॉम्बे रोड है, उस पर हम गए। वहाँ उस रोड पे हम ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स तक गए। एक जगह आती है हुमनाबाद करके, तो हुमनाबाद तक हम उस रोड पे रहे NH-65 पे। और हुमनाबाद से फिर हमने एक लेफ्ट ले लिया काला बुरागी की साइड। तो फिर हम काला बुरागी आए, मतलब यही सिंगल लेन रोड टाइप से, रोड अच्छी थी बट सिंगल लेन थी। और फिर काला बुरागी से हमने एक बीजापुर रोड ली। अब बीजापुर गए या नहीं ये मेरे को पता नहीं, बिकॉज कोई मेजर शहर तो मैंने देखा नहीं रास्ते में, बट बीजापुर, विजयपुरा, इसके आसपास से हम निकले। और अभी एग्जैक्टली कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, बट हम उसी रोड पे ही गई हैं। इस रास्ते का जो मेरे को आइडिया, जो मैं एक दो बार गया हूँ, कि ये है कि बेलगाम आता है लास्ट कर्नाटका में, बड़ा शहर लास्ट या थोड़ा बड़ा शहर पूरे कर्नाटका में वही एक ही आता है, बेलगाम आता है। और उसके बाद फिर हम गोवा एंटर करते हैं। और अभी भी 350 किलोमीटर है, सो आई थिंक बेलगाम आने में अभी टाइम लगेगा, बट हाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग बेबी, ओ बेबी, क्या नींद में हो? चलो चलो थोड़ी देर और सो जाओ, फिर गुड मॉर्निंग करेंगे। ये माँ बेटे तो अभी मस्त सो रहे हैं, बट अभी मुझे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा, एक बहुत बढ़िया सनराइज दिख रहा है विंड मिल्स के बीच में। तो मैं सोचा थोड़ा रोकें, थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बनाएं। उधर जाने के लिए बहुत सारे कांटे हैं, कांटे के पेड़ हैं ये सारे, अदरवाइज थोड़ा और उधर जाके बनाते तो व्यू अच्छा आता, बट वी विल ट्राई। ओ भाई हाँ, वहाँ आप देख सकते हो कितना अच्छा सनराइज लग रहा है, बहुत अमेजिंग। बहुत सारे विंडमिल्स हैं, उसके बीच में से सूरज निकल रहा है, और यहाँ कोई कुत्ता नाराज हो रखा है, भौंके जा रहा है और वो हमारी गाड़ी खड़ी है। सुबह के आई थिंक बज गए हैं 7:03, 7:03। अब वापस कैसे जाएंगे, पूरे कांटे ही कांटे हैं यहाँ तो, जाते हैं आउ 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 चले गए। उपसी, ओ वहाँ पे डॉगी नाराज हो रखा है, भौंके जा रहा है। चलिए आगे चले। गुड मॉर्निंग बेबी, जाग गया बेबी, मजे से सोया या नहीं सोया? हाँ बेबी सोया। कहाँ पे हैं हम अभी, डू यू नो कहाँ हैं हम? कर्नाटका। वी आर इन कर्नाटका। ओ देखो कितना अच्छा इमली का पेड़ है सामने, पूरी इमली भरी हुई है, मतलब 100-200 किलो इमली तो होगी इसमें कम से कम, एकदम बहुत फल है, बहुत भरा हुआ है। और ये है कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये कर्नाटका की, बीजापुर रोड नाम लिखा था पीछे, फिर MDR भी लिखा था, MDR बोले तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो इसी पे चल रहे हैं हम, देखते हैं। अभी तो और बता रहा है कि लगेंगे 7.5 घंटे। चौराहा आ गया है, यहाँ पे स्टैचू है किसी की, कौन है ये तो हमें समझ नहीं आया, बट ये समझ आ रहा है कि ये सीधा रास्ता आगे अलमट्टी जाता है। अलमट्टी में एक बहुत अच्छा डैम है, अलमट्टी डैम, एक बार हम वहाँ रुके थे, एक KSTDC प्रॉपर्टी भी है कर्नाटका सरकारी, हाँ एक बार पहले आते हुए, बहुत अच्छा डैम है। बट आज तो हम उधर नहीं जाएंगे, बट ये गोवा का रास्ता उसके काफ़ी पास से निकलता है,
और लेफ्ट में बीजापुर रोड है, मतलब लेफ्ट में अगर जाएंगे तो बीजापुर आ जाएगा, बट हम लेफ्ट नहीं जा रहे, हम थोड़ा सीधा ही जा रहे हैं। हम अलमट्टी के पास से निकलेंगे, बट डैम तो नहीं दिखेगा शायद, अगर दिखेगा तो हम वीडियो लेंगे, बट जितना मुझे ध्यान है डैम वहाँ से नहीं दिखता। नदी शायद आएगी कहीं ना कहीं बीच में। सो ये हम शहर क्रॉस कर रहे हैं, कोई बड़ा ही शहर है मतलब यहाँ के हिसाब से गांव के, बट कन्नड़ में लिखा है तो इतना समझ नहीं आ रहा, यहाँ इंग्लिश में लिखा है श्री महालक्ष्मी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बासवान, बासवान कुछ लिखा है यहाँ पे शहर का नाम, ज़्यादा उससे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नॉर्मली यहाँ फ्रूट्स मिलते थे, छोटे ऑर्गेनिक केले मिलते थे जब भी हम आते थे, बट आज तो हम बहुत सुबह सुबह आए हैं तो कुछ है ही नहीं, तो चलिए चलते हैं आगे। ये हमें यहाँ विंडमिल दिखा, बहुत बिग है ये और बहुत शोर हो रहा है, आई थिंक ये फैंस घूमने का भी शोर है और इलेक्ट्रिसिटी शायद बन रही है उसका भी शोर है। यहाँ बहुत सारे विंडमिल्स हैं बट ये तो एकदम पास है हमारे। बेबी कैसा लग रहा है? बिग बिग है, हाँ बहुत ह्यूज है ना, कितना बिग है, हाँ उड़ा देगा हमें ऐसा लग रहा है। और ये मिलेट है, क्या है ये, किस चीज़ का खेत है पता नहीं, क्या सीड है ये, हाँ कोई मिलेट ही है ये भी, बट कौन सा ये तो नहीं पता, अभी भी समझ नहीं आया होल्ड करके भी, कोई मोटा मिलेट ही है। बट हमें तो ये विंडमिल दिखा, हमने कहा बेबी को दिखाएं विंडमिल, स्पाइन शार्प है बहुत, हाँ बहुत शार्प है, स्पाइंस बहुत शार्प है। अच्छा लगा बेबी को, अब चले गाड़ी में, हाँ वापस चले, ओ हमारी गाड़ी वो उधर खड़ी है रोड के साइड में, चलते हैं वहीं पर, चलो लेट्स गो। और ये बहुत बड़ा ब्रिज आ गया है कृष्णा रिवर का, मेरे कैमरे से तो शायद आप ना समझ पाएँ, और यहाँ रोकने की जगह भी नहीं है कि मैं रोक के गाड़ी खड़े करके आपको दिखाऊँ, बट ये बहुत बड़ा ब्रिज है, अभी हम आई थिंक इसे क्रॉस करने में हमें दो चार मिनट लगेगा। और ये कृष्णा रिवर का है और यहीं पे थोड़ा पास में अलमट्टी डैम है, वहाँ से आ रही है पानी, हाँ बहुत है पानी, आई थिंक यहाँ से अगर दिखे तो शायद दिखे। और अभी ये सीज़न नहीं है, अब ये ऑलमोस्ट लोअर पॉइंट पे ही चल रहा है पानी, जब ये भरता है तो ये बहुत दूर तक भरता है। कृष्णा रिवर, अभी तो हम ब्रिज के सेंटर में भी नहीं पहुंचे, इसमें मछली भी बहुत होती है, बहुत रिच रिवर है ये, इंडियन ब्रीड्स होती है इसमें मछलियों की, स्नेक हेड होता है, रोहू होता है, हाँ नेटिंग भी करी होगी मछुआरों ने, हाँ यहाँ से शायद दी है। कितनी बड़ी रिवर है, हाँ नेटिंग करी हुई है, बीच बीच में बाइट बाइट दिख रहा है, मछली भी बहुत होगी इसमें, पानी भी बहुत है, डक्स भी है। ओ देखो फिशिंग कर रहे हैं बेबी, देखा बीच में नेट निकाल रहे हैं, हाँ यस करेक्ट, देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ डैम, अभी भी चल रहा है, हाथ दर्द हो गया कैमरा पकड़ते हुए, बट डैम खत्म नहीं हुआ। तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हम चले जा रहे हैं, आई थिंक एक आध मिनट तो हो गया हमें गाड़ी चलाते हुए, अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। वो देखो वहाँ पे भी लोग बोट में, बोट में वो कर रहे हैं मछली पकड़ रहे हैं। अब फाइनली ये ख़त्म हुआ है ब्रिज, इसका एंड आ गया। ये पोहा लिया हमने ब्रेकफास्ट में, टेस्ट तो अच्छा ही है, और यहाँ पे कोकोनट चटनी डाला है इन्होंने पोहे के ऊपर, उससे थोड़ा और अच्छा लगा। बेबी को कैसा लगा पोहा, हाँ अच्छा लगा, नहीं लगा, पीनट भी है देखा, हाँ बेबी को अच्छा नहीं लगा, क्या वो बेबी को मूड नहीं है खाने का, हाँ चलो इडली भी ढूंढेंगे अभी, अभी खा लो
बेबी को इडली खाना है तो अब इसके बाद इडली ढूंढना पड़ेगा। ये पोहा पहले मैंने कोकोनट चटनी के साथ दिया, अब मैंने सांभर डलवाया, सांभर के साथ भी मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कॉम्बिनेशन भी कहीं होता होगा कि महाराष्ट्रन खाना और साउथ इंडियन खाना, पोहा और कोकोनट चटनी एंड सांभर, बट अच्छा। अभी हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया है, दो प्लेट पोहा लिया था हमने, मैंने तो उसमें सांभर भी डलवाया, कोकोनट चटनी भी डलवाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। 40 रुपये था, 20 रुपये प्लेट यानी, तो ज़्यादा महंगा तो नहीं था, बट इन लोगों ने नहीं खाया अच्छे से, इनको मज़ा नहीं आया, बेकार था वो पोहा, में चीनी डाला हुआ था, मीठा मीठा पोहा था। पता नहीं, मुझे तो सही लगा, मैंने तो उसके ऊपर सांभर डलवाया, सांभर स्पाइसी था तो मज़ा आया, और कोकोनट चटनी भी स्पाइसी थी, तो वो बड़ा सही साउथ इंडियन और महाराष्ट्रन का कुछ मिक्स बना, बड़ा मज़ेदार चटपटा, सो मेरे को तो अच्छा लगा। अब इडली ढूंढते हैं, बिकॉज बेबी हंग्री है, इसके लिए इडली लेना पड़ेगा, तो अब देखते हैं कहाँ मिलता है फ्रेश। ये यहाँ पे बहुत अच्छे कोकोनट्स दिखे हमें, तो यही पीने आए हम, एकदम ग्रीन ग्रीन है और टेस्ट भी बड़ा सही है। तुम्हारा कैसा है? मेरा तो मीठा है, बहुत मीठा है एकदम, और कितना बड़ा है साइज भी ना, उधर मिलता नहीं है इतना तेलंगाना में, छोटे छोटे मिलते हैं। ये वाइफ का है, ये मेरा है हाथ में, ये भी मीठा है। वो हमारा नालायक बेटा गाड़ी में है, उसको नहीं पीना बोला, वहीं बैठा है वो। हम तो मस्त पीने आ गए, उसके लिए ले जाएंगे शायद, एक देखते हैं। बहुत अच्छा है, हाँ मीठा है। हमने पानी तो पी लिया कोकोनट का, बहुत ज्यादा पानी था, इतना अच्छा मलाई भी है, और अभी मलाई खाने, बहुत अच्छा है एकदम, ये डीप है एकदम, मलाई बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कर्नाटक के जब कोकोनट होते हैं बड़े सही होते हैं, तो साइज भी बहुत बड़ा होता है, पानी भी मीठा होता है। हैदराबाद में हम पीते हैं तो साइज भी छोटा सा होता है, पानी इतना मीठा नहीं होता जैसे मीठा। अच्छे, और 30 रुपये का इतना बड़ा, सही है। हम शुरू में जब पहला साउथ इंडिया ट्रिप था तो हमें 25 रुपये का दिया था, कम से कम हमने 10-12 लिया था, वो भी बहुत अच्छे थे, बड़े वो इससे बड़े थे। यहाँ पे हमें एक चीकू फार्म दिखा, और यहीं पे बाहर भैया चीकू बेच रहे हैं, जिनसे वाइफ चीकू ले रही है, बार्गेनिंग कर रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्री है, बेबी आगे मत जाओ, यहीं से देख लो, देखो इतने सारे चीकूज हैं, देखे नहीं, नहीं कच्चे हैं, बेबी है वो, बेबी है, बेबी आ जाओ बेबी, चलो फार्म से चीकू लिया हमने इस पॉलिथिन में भर के, हाँ बहुत मीठे हैं, हाँ, और एक खाया, ये बहुत मीठा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मीठा है, एकदम इसी फार्म से आया, बहुत अमेजिंग है, लोकल प्रोड्यूस। क्या हुआ बेबी? ये हम जा रहे हैं गोवा की तरफ, खाली रोड है, बढ़िया सा हाईवे है एकदम खाली, इस पे भागे जा रहे हैं, अभी भी है ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर और 5 घंटे का रास्ता है, और हमारा बेबी इधर है। बेबी यू आर एक्साइटेड टू गो टू गोवा? आज बेबी को इडली भी नहीं मिला बेचारे को, इडली मिस कर रहा है बेबी। चलो अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तो तुम्हें खिलाते हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, 10 बज गए, हमने तो पोहा खाया, बेबी ने तो वो भी नहीं खाया। मम्मी क्या कर रही है तुम्हारी? धूप है अच्छी खासी, 29 डिग्री बता रहा है, और अभी बस 10 बजे हैं, जा रहे हैं अभी तो हम यही धूप खाते खाते एंजॉय करते करते जा रहे हैं। और ये हम थोड़ा और आगे आ गए हैं, आप देख सकते हैं सामने बेलगावी का बोर्ड लगा हुआ है, बेलगावी 40 किलोमीटर्स है, नीसर्गी 12 किलोमीटर है, हमें तो बेलगावी साइड, बेलागावी साइड जाना है, उसके बाद गोवा ज़्यादा दूर नहीं होता, आई थिंक वहाँ से 100 किलोमीटर ही है गोवा, और अभी टोटल 164 बचा है, तो चलते हैं आगे। ये बेबी और मैं बैठे हुए हैं गाड़ी में, हम थक गए, पैर सीधा करने बाहर आए हैं, और बड़ी मस्त हवा चल रही है, बहुत अमेजिंग, आ हा, गर्मी तो काफ़ी है, 32 डिग्री सेल्सियस है, बहुत प्यास लग रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, बट ये अच्छा है कि हवा चल रही है तो थोड़ी राहत है,
और अब हम बेलागावी के काफ़ी पास है, ये बोर्ड देख सकते हो आप, इसमें लिखा है बेलागावी एयरपोर्ट 20 किलोमीटर्स अहेड। सो ऑलमोस्ट हम बेलागावी पहुंचने वाले हैं, बट अभी हमारा गोवा का होम स्टे तो अभी भी 160 किलोमीटर दूर है। और बेबी बर्ड वॉचिंग कर रहा है उल्टा बाइनोक्युलर लेके ऐसे नहीं करते, ऐसे बेबी बर्ड वॉचिंग सीख रहा है आजकल कैसे करना है। अच्छा लग रहा है बेबी को, वो स्पेशली अपना बाइनोक्युलर लेके आया हैदराबाद से कि गोवा में बर्ड वॉचिंग करेगा बोल के। चले फिर बेबी आगे चले। हाँ बेबी ओके लेट्स गो, चल अब हाँ गुड बाय। ये हम कर्नाटका के बॉर्डर आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू विजिट अगेन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और आगे लिखा हुआ है सुस्वागतम, और वो आई थिंक महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, वहाँ से थोड़ी देर के लिए महाराष्ट्र आएगा और फिर हम फाइनली गोवा एंटर करेंगे। एक दूसरा बॉर्डर भी था जिसमें आप डायरेक्टली मतलब कर्नाटका से गोवा एंटर करते थे, नॉर्मली जब मैं लास्ट दो बार आया तो वो रास्ता दिखाता था, बट ये आज थोड़ा अलग दिखाया। सो एज यू कैन सी हम फाइनली कर्नाटका बॉर्डर पहुँच गए हैं। कल रात को चले थे हम 12 बजे, अभी टाइम हो रहा है 1:30 ऑलमोस्ट, तो मतलब 12-13 घंटे हो गए हमें निकले हुए। हमारा होम स्टे तो अभी भी ऑलमोस्ट 3 घंटा दूर है, बट हम एटलीस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर पहुंच गए और इसके बाद फिर गोवा बॉर्डर आएगा। सो ये फाइनली वी आर रीचिंग। ये घाट रोड से निकल रहे हैं हम, और बहुत अच्छा था पीछे तो, मतलब एक तालाब दिख रहा था पानी वाला और जंगल दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक मैंने अपना कैमरा सेट किया रेडी किया वो सीन निकल गया, बट अभी भी आप देख सकते हो है तो ये पूरा घाट सेक्शन। ओ वाओ आगे बहुत हरा भरा जंगल दिख रहा है, आई डोंट नो कैमरा दिखा पाएगा यानी जस्टिस कर पाएगा यानी इस सीन को, बट बस मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अभी तो गर्मी का टाइम है और ये इतना हरा भरा लग रहा है एरिया, तो जब बारिश होती होगी तो कितना अमेजिंग दिखता होगा और कितना अच्छा दिखता होगा। वाओ लवली। ये हमें आधा घंटा हो गया है और हम इन सुनसान रोड पे चल रहे हैं, अभी तो फिर भी चलो एक आध घर दिख गया, थोड़ा भगवान की रहमत है, वरना आधे घंटे से हमें ना कोई गाड़ी दिख रही थी, बस एक आध कोई बाइक वाला जा रहा था और जंगल ही जंगल हम जाए जा रहे थे, और मैप बोल रहा था कि 70 किलोमीटर और आपको इसी सेम रोड पे ऐसे ही जाना है, तो हमें तो टेंशन हो गई थी कि कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं जा रहे, कोई मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए हों, पता लगे हम वापस भेज दें आगे से। बट लकीली अब जस्ट एक छोटा सा गांव भी नहीं कस्बा आया जिसमें 4 घर थे, तो एक दो गाड़ियां निकली, तो वो देख के हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन आई। ये कोई नदी जा रही है यहाँ पे, और पानी तो कम है बट पानी दिख रहा है पानी कम है। आई थिंक एक बार हम पहले आए थे तो इसमें बहुत पानी था ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं आई कुड बी रॉन्ग, बट अभी तो काफी कम पानी है, बट रास्ता अच्छा है। लकीली रोड में गड्ढे वड्ढे नहीं है, रोड अच्छी है। हाँ। रोड बहुत पतली है, दो गाड़ियां आती हैं तो किसी को नीचे हल्का सा रोड से उतरना पड़ता है, दो गाड़ियां सेफली पास नहीं होती मतलब रोड के ऊपर, बट साइड में काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े बड़े पेड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ का शेड आ रहा है रोड में, बहुत अमेजिंग व्यू है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि अगर हम बारिश में आते तो और वाटरफॉल्स वगैरह हाँ हम इंजॉय करते। हम वो एक लास्ट टाइम आए थे तो पूरे रास्ते में इतने वाटरफॉल्स थे, सितंबर में आए थे ना, बहुत सारे वाटरफॉल्स थे। एक दो जगह हम रुके थे, पैर वैर भी धोए थे बेबी को, वो भी किया था, लेके गए थे वाटरफॉल में, काफी एंजॉय किया था। बट ये रोड अच्छी लग रही है, मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम आई थिंक कब आए थे 2019 में आए थे, तब ये रोड पता नहीं ये रोड थी या दूसरी रोड थी, बाप रे इतनी बेकार रोड थी, गड्ढे ही गड्ढे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी और इतनी बारिश हो रही थी रात को है ना, फिर एक मुश्किल से भी उस ट्रिप में चले गए थे। हाँ मुश्किल से एक पंचर वाला मिला, उसने पंचर ठीक किया, फिर हम रात को ड्राइव करके पूरी इतनी तेज बारिश में हम गोवा गए थे, मुझे याद है बहुत गंदी रोड थी वो, तो ये रोड थी या पता नहीं कौन सी थी, याद नहीं है। ये नहीं थी, तो वो वाली रोड थी वो, वैसे हैदराबाद टू गोवा भी खराब ही थी उस जमाने में, आज अब तो ठीक है, अभी हम उससे आए तो रोड ठीक है, ठीक कर लिया शायद, बट वो तो बहुत ज्यादा खराब थी।
ये यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू पॉइंट टाइप दिखा, तो मैं सोचा हम आते हैं इधर और वीडियो बनाते हैं, देखते हैं। दूर से तो अच्छा दिख रहा था, अभी पास जाके देखते हैं कैसा है। गर्मी तो भयंकर है, भयंकर। माँ बेटे तो गाड़ी से निकल भी नहीं रहे, इतनी गर्मी है। मैंने हिम्मत करी कि मैं जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा। सो लेट्स सी कैसा है। और ये है सामने का व्यू जो मैं देखने आया था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओ वाओ 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 नाइस, वाओ वाओ गुड 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 नाइस। ये आप देख सकते हो, ये व्यू है यहाँ से। वाओ कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं, सो अमेजिंग, सो 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 अमेजिंग। बारिशों में तो बहुत अच्छा लगता होगा, अभी भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है ट्रैकिंग करने का इन पहाड़ों में, कितने अच्छे जंगल है। वाओ सो नाइस, वर्थ इट, यहाँ आना चाहिए देखने के लिए, नॉट बैड। तो ये तो अच्छा रहा, अब चलते हैं वापस। हमारी गाड़ी खड़ी है, धूप में जाना है, गाड़ी सामने है हमारी, तो चलते हैं गाड़ी पे आगे। ये हम अपनी गाड़ी में अब थोड़ा डाउनहिल जा रहे हैं, थोड़ा हमने क्लाइम किया था, अब ये थोड़ा डाउनहिल डाउनहिल रास्ता है और पूरा पहाड़ों की याद दिला रहा है। मतलब उत्तराखंड के जो लोअर पहाड़ होते हैं नीचे वाले, वो एकदम कर्व वाले नहीं, उनकी याद दिला रहा है अच्छे से रास्ता। बट लकीली अब ये रास्ता अच्छा दिख रहा है, पहले तो लास्ट के 20 किलोमीटर तो बहुत ही ख़राब था, आई थिंक 20 किलोमीटर कवर करने में हमें एक घंटा लग गया होगा, बट अब तो बहुत स्मूथ रास्ता दिख रहा है। सो लेट्स होप एंड प्रे कि रास्ता ऐसे ही है। और सीन्स तो बहुत अमेजिंग है, इस रास्ते से मैं पहले कभी आया नहीं था, मैं हमेशा दूसरे कर्नाटका वाले बॉर्डर से आया था, मैं फर्स्ट टाइम इससे आ रहा हूँ। बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं, वर्थ कमिंग फ्रॉम एयर। यहाँ एक वाटरफॉल भी होता है, बट अब पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डाउट मिलेगा, बट हाँ रास्ता तो हम इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत भयंकर कर्व्स आए हैं यहाँ पे, मैं वीडियो नहीं बना पाया इसी वजह से, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान गाड़ी पे था, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता था। बट बहुत अमेजिंग कर्व्स आए, मतलब उत्तराखंड में चलाने वाली फीलिंग आ गई। मज़ा आया, और दोनों साइड घने जंगल हैं, अब थोड़े कम हो गए हैं, तो अब मैंने कैमरा ऑन किया कि हल्के हल्के पे चला के आपको दिखाता हूँ बोल के, बट अदरवाइज़ तो बहुत बहुत कर्वी रास्ता था ऊपर। तो अब गूगल मैप के हिसाब से अब ज़्यादा कुछ कर्व्स बचे नहीं है, पहाड़ का रास्ता आई थिंक एक कर्व या दो कर्व अब और दिखा रहा है गूगल, उसके बाद थोड़ी देर के लिए नहीं दिखा रहा। बट मतलब बहुत बहुत अमेजिंग रास्ता, पूरा ऐसे लगा मतलब पुराने दिन याद आ गए कि जैसे मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, नैनीताल रामगढ़ साइड। अब ये आई थिंक लास्ट कर्व यही वाला दिखा रहा है जो मैं अब जस्ट लूँगा, आप देख सकते हो यही लास्ट शार्प कर्व बता रहा है ये। ओ लंगूर है यहाँ, ओ वाह इतना बड़ा लंगूर अभी इधर गया, इधर बैठा है। एक गाड़ी भी आ गई सामने से, गोवा नंबर, तो चलिए चले आगे। हाँ चिकन थाली कैसा है? अच्छा है, ग्रेवी का टेस्ट अच्छा है ना? हाँ मेरे फिश थाली में भी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने खाया रोटी के साथ, काफ़ी अच्छा है। बेबी को कैसा लगा? बेबी से पूछते हैं, बेबी खाना कैसा लगा? बेबी को अच्छा, अच्छा है, इन्जॉय किया बेबी ने? तुम्हें तो सही लगा करी है ना? हाँ मुझे भी फिश करी भी लेना, फिश करी भी अच्छा है, इसमें से भी ट्राई करना। और ये पिंक पिंक कुछ स्पेशल होता है मालवानी क्विजीन का, मैंने एक और कहीं थाली खाई थी पुणे में, तो वहाँ पे भी दिया था। स्वीट ये स्वीट नहीं होता, सॉल्टेड कुछ टाइप का होता है, बड़ा अच्छा होता है, इसका नाम मैं भूल गया, सोड सोड या सोल अभी कुछ बोला ना, बट काफ़ी अच्छा होता है। तो हम तो अपना लंच इन्जॉय कर रहे हैं आज, यही है हमारा लंच। अच्छा मिल गया हमें खाने का ऑप्शन, बिकॉज़ हमें जगह की इतनी टेंशन नहीं होती, जगह चाहे जैसी भी हो खाना अच्छा होना चाहिए, जो क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है। हाँ तो चलिए हम ख़त्म करते हैं। और ये था जहाँ हमने लंच किया, मधुरा फैमिली रेस्टोरेंट, खाना बहुत अच्छा है इसका। और ये बेलगांव से गोवा जाते हुए आता है रोड पे, एकदम रोड पे ही है, खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। और अब हम जा रहे हैं
खाना वाना खा लिया, बेबी ने सौंफ भी खा लिया। बेबी इज रेडी टू गो। ओके चलो फिर, अब बेबी ने बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा। और ये बहुत एक सुंदर रिवर आई है इधर, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। और इस साइड तो पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल है, और उसके बीच से एक नदी बह के आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है, और इधर जा रही है, और हम गाड़ी में बैठे ये सब व्यू फुल टू इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर है, मतलब इस रास्ते की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बट हाँ, हमारी गाड़ी में सब बीमार हो गए, सबको मोशन सिकनेस हो गया पहाड़ों की वजह से। बट रास्ता तो बहुत सुंदर है, अमेजिंग। अब देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा RWD बोर्ड लगाए कुछ टोल के लिए, टोल प्लाजा टाइप बनाए, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ गोवा लिखा है, तो अब ये मतलब संकेत करता है कि हम गोवा में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू गोवा, ये फाइनली हमें वेलकम टू गोवा वाला बोर्ड मिला, इधर है। और नहीं, RTO तो नहीं है, एज़ पर गूगल मैप तो हम थोड़ी देर पहले अंदर आ गए थे, बट वेलकम टू गोवा का बोर्ड हमें फाइनली इधर आके दिखा, और अब हम चलते हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने गोवा पुलिस का चेक पोस्ट पार किया, जहाँ पे हमसे RC, इंश्योरेंस, और क्या मांगा, पोल्यूशन, RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस, 4 चीज़ें मांगी और हमने दिखा दी, और अब हम आगे जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ कोविड कंट्रोल्स थे, तो यहीं कहीं रोक के सारे पेपर्स चेक हुए थे, मतलब कोविड सर्टिफिकेट वगैरह। बट अभी तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। सो बस हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और हम जा रहे हैं। अब हम ऑफिशियली गोवा एंटर कर चुके हैं, और लगभग 50 मिनट में हम अपने होम स्टे पहुँच जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज हम गोवा में, बेबी बैठा हुआ है मज़े से। आज हम क्या करेंगे, ज़्यादा कहीं तो नहीं जाएंगे, शायद शाम को बीच जाएंगे, कैंडोलिम बीच, बिकॉज़ वो हमारे यहाँ से पास है। और हम लंच करने जाएंगे विनायका फैमिली रेस्टोरेंट करके एक जगह हमने ढूंढा, उधर हम जाएंगे और गोवन थाली खाएंगे, आज का प्लान यही है। और ये होम स्टे का भी अभी टूर करेंगे, अभी थके हुए तो हम बैठे, अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं हम जहाँ रुके हैं वो कैसा है घर। हमने इस बार कोई होटल नहीं किया, एक होम स्टे बुक किया है, हम थोड़े लोग भी ज़्यादा थे, और ये स्पेशल भी है, तो हम यहाँ। सो बेबी को कुछ बोलना है, क्या बोलना है? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज डू। ओके, ये हम आए हैं विनायक फैमिली रेस्टोरेंट, और पूरा भरा हुआ है अच्छे से, बहुत भीड़ है इस रेस्टोरेंट में। हमने किंग फिश थाली मंगाई है, वो फेमस है यहाँ की, होपफुली अच्छी होगी। और हम कैमरा लाना भूल गए, तो अब हम इसी से काम चला रहे हैं। ये हमारी पूरी फैमिली एक टेबल पे कब्जा करके बैठी है, 8 लोग। ये हमारी थाली आ गई है, ये किंग फिश थाली है, इसमें एक बहुत बड़ा किंग फिश का पीस है। बेबी ने तो खाना भी शुरू कर दिया, बेबी इज़ एक्साइटेड, क्रैब भी मिल गया बेबी को फाइनली। बेबी क्रैब की डिमांड कर रहा था, लकीली इस थाली में क्रैब है यहाँ पे, ये वाला, तो वो खुश हो गया। हाँ वो छोड़ो, वो नानू का है, तुम अपना खाओ। ये सब बैठे हैं हम, कोई सूप पी रहा है, कोई थाली खा रहा है, कोई जूस पी रहा है। ये प्रॉन्स थाली भी आ गई हमारी, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें 3 प्रॉन्स थे, बेबी ने एक ले लिया, उसकी मम्मी ने एक ले लिया, और एक बचा है। खाना कैसा है बेबी? ये क्या है? क्रैब का क्लॉ। खाना कैसा लगा बेबी को? अच्छा, अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा? नोजी। नोजी तो नहीं, सबसे अच्छा क्या लगा? क्रैब। हाँ बेबी यार पूरे क्रैब खाने के मूड में आया था, तो हैप्पी है उसे क्रैब मिल गया। तो और ये खा रहे हम सारे बैठ के, ये हमने खाना खा लिया, और अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पे, अभी भी कम से कम 30-40 लोग बाहर खड़े हैं। और ये रेस्टोरेंट है विनायक फैमिली रेस्टोरेंट, इस रोड पे है, और बहुत भयंकर भीड़ है। हमें तो लकीली टेबल मिल गया और हमने खा लिया, और हमारी फैमिली अब आ रही है, डैड आ गए, बाकी लोग भी अब आएंगे।
ये हम कहाँ आए? कैंडोलिम आए हैं। ये सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये हमारी बीवी है, फोटोग्राफर। यहाँ लोटस है बहुत सारे, काफी अच्छा है। बीवी वेलकम आरुम्बल बीच शैक। ये हम आरुम्बल बीच आए आज। ये रास्ता है बीच में जाने का। अभी आगे जाएंगे तो फिर आपको प्रॉपर बीच दिखेगा। ये आज हम आरुम्बल बीच आए हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। ये यहाँ पे हम बीच पे आए हैं सारे। बहुत अच्छा लग रहा है। सनसेट का टाइम हो रहा है। बीबी एंजॉय कर रहा है हमारा। ये बीबी एंजॉय कर रहा है। ओए गया गया गया। मजा आया बीबी। वहाँ पे लोग पैरा सेलिंग कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, आई थिंक जंप करके। अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। हम लोग भी यही इंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली हमारी 800 लोगों की। तो ये फोटो खिंचा रहे हैं मेरी बीवी और उसकी सारी बहनें। सनसेट है इधर, इधर हमारा बेबी है। नानू के साथ अपने एंजॉय कर रहा है। क्या कर रहे हो बेबी? बीच में एंजॉय कर रहे हो नानू के साथ। ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। यहाँ पे चर्च और क्या बोलते पोप के बारे में काफ़ी चीज़ें थी अंदर। पुरानी पुराने ये कब इस्टेब्लिश हुए, म्यूजियम जैसा म्यूजियम था। कॉइन्स थे, पुरानी चीज़ें थी। देखने में ये सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं हमारे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। हाँ अंदर अलाउड नहीं था इसलिए हमने बनाया नहीं। ये भी अच्छा है। इसके एकदम नेक्स्ट एक चर्च भी है बट वो बंद हो गया था जब तक हम आए तो हम जा नहीं पाए। बट ये काफ़ी सही था। ओ वहाँ पे जो सामने ब्राउन बिल्डिंग है वो भी एक चर्च थी बट उसको तो हम क्लोज होने के बाद पहुँचे। मतलब 5 PM क्लोज हो गया, हम 5:15 पे आए तो हम कर नहीं पाए। ये फूल भी अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ट्री। क्या कलर है? सैफ्रो कलर, फ्लॉड वाइट कलर, येलो बोल के। येलो भी नहीं है थोड़ा, हाँ थोड़ा येलोइश है। इधर में कोई म्यूजियम भी है उसमें तो अभी हम गए नहीं, देखते हैं जाएंगे या नहीं। ये वाला ले, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये पुराना ओल्ड स्टाइल, क्या बोलते हैं, यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर। इस जगह का नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। ये है ये जगह की डिटेल्स जहाँ हम आए। चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन से कैथेड्रल। यहाँ पे म्यूजियम था बट आए तो हमने पता कि ये काउंटर ऑलरेडी क्लोज हो गया है। ये भी 5 o'clock क्लोज हो जाता है, हम अंदर जा नहीं पाए। बस अभी बाहर से देख के जाएंगे वापस। अच्छा हमें बुला रहे हैं, शायद हमें जाने को मिलेगा अंदर।
ये है सेट कैथेड्रल, काफ़ी अच्छा लग रहा है बट बंद हो गया तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर फोटोग्राफी कर सकते हो। है तो काफ़ी अच्छा बट सब बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, 5 बजे सब बंद हो जाता है। हम 5:15 आए, हम 20 मिनट लेट आए इन सब चीज़ों के लिए।